एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाली हर रेसिपी आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज हम बनाते हैं मक्के के बाफले। ये बहुत ही टेस्टी होते हैं और सर्दियों के मौसम के लिए बेस्ट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मक्के के बाफले बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मक्के का आटा। यहाँ पर मैंने 1 किलो मक्के का आटा लिया है और उसमें से मैं आधा आटा यहाँ पर ले रही हूँ। आधा यानी कि लगभग 500 ग्राम आटा मैंने मक्के का लिया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। नमक ने 1 चम्मच लगभग डाला है। आप अपने स्वाद के अनुसार ही नमक डालें, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और ये लिया मैंने अजवाइन। अजवाइन को थोड़ा सा हाथों से क्रश कर लें और फिर इसे मक्के में मिला लें। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और आधा चम्मच खाने के चम्मच से मैं इसमें डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर इसलिए डाल रही हूँ जिससे कि हमारे बाफले एकदम खिले खिले बनेंगे। और अब हाथों से इसे अच्छे से मिक्स कर लें। हाथों से अच्छे से मिक्स करें जिससे कि सारे मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब इसमें डाला है मैंने 3 से 4 चम्मच ऑयल। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें। दोनों हाथों से अच्छे से इसे मिला लें जिससे इसमें बिल्कुल भी गुठली ना रहे। सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए। अब हमें यहाँ पर हल्का गुनगुना पानी लेना है और उससे आटे को अच्छा नरम रोटी के आटे जैसा गूंथ लेना है। पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है और आटा बहुत ज़्यादा सख्त ना हो और ना बहुत ज़्यादा गीला हो। हमें रोटी के आटे जैसा इसे नरम गूंथना है। मक्के के आटे को हम जब भी साने हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि आटा एकदम से नरम हो और उसे बहुत अच्छे से मसल कर साने, जिससे कि जब हम बाफले बनाएं तो बाफले एकदम से चिकने बने और फटे ना। या फिर आप रोटी बनाएं उसके लिए भी आटे को हमें इसी तरह से नरम गूंथना होता है। आटे को मैंने अच्छे से सान लिया और अब 10 मिनट के लिए मैं इसे कवर करके साइड में रख दूँगी और उसके बाद हम इसके बाफले बनाएंगे। 10 मिनट हो गए और आटा भी अच्छे से सेट हो गया है। अब हमें इसमें क्या करना है, थोड़ा सा आधा चम्मच के करीब मैं इसमें तेल डालूंगी और इसे तेल डालकर अच्छे से हमें हाथों से मसलकर चिकना कर लेना है। और अब बाफले बनाने के लिए आटा हमारा एकदम से रेडी है। इस तरह से हमें इसका आटा तैयार करना है। अब हमें क्या करना है, जितना बड़ा साइज आप पसंद करते हो अपने हिसाब से उतने बड़े साइज का हमें इस तरह से गोल गोल बाफले बना लेना है। इस तरह से हमें इसे बनाकर थोड़ा सा हाथों से दबाकर चपटा कर ले। इतनी बड़ी साइज का हमें मक्के के बाफले बनाना है। इसी तरह से मैं सारे बाफले बनाकर तैयार करूंगी। सारे गोले इस तरह से मैंने बनाकर रख लिए। आपने देखा एक भी मक्के के गोले हमारे फटे नहीं है, सारे एकदम से चिकने बने। इसी तरह से हमें आटा हम जितने अच्छे से सानेंगे हमारे बाफले उतने ही अच्छे बनेंगे। सारे गोले हमने बना के तैयार कर लिए और अब हम अगली तैयारी कर लेते हैं। और अब हम इसे उठाकर साइड में रख देंगे। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ इडली बनाने का सांचा। और अब इसे ऑयल से अच्छे से हमें ग्रीस कर लेना है जिससे कि जब हम बाफले बनाएंगे तो वो इसमें चिपकेंगे नहीं। आज हम जो मक्के के बाफले बना रहे हैं उसे हम पहले स्टीम करेंगे इसमें रखकर।
इस तरह से हमें सारे जमा देना है और स्टीम करने के बाद हम इसे ओवन में सेंक लेंगे। मक्के के बाफले को स्टीम करने के लिए हमें यहाँ पर 1.5 से 2 गिलास पानी लिया है और अब पानी को कवर करके हाई फ्लेम पर बॉईल करेंगे। तो आप देख रहे हैं पानी अच्छे से बॉईल हो गया। तो सबसे पहले हमें गैस को कम कर देना है और अब हमने जो मक्के के बाफले बनाने के लिए जो गोले तैयार किए उसे इसमें बहुत ही सावधानी पूर्वक अंदर फिट कर देना है और अब इसे कवर करके 25 मिनट के लिए छोड़ दें और अब इसे 25 से 30 मिनट के लिए एकदम कम आंच पर हमें इसे स्टीम होने देना है। 25 मिनट हो गए और अब हम इसे खोलकर चेक करते हैं। चेक करने के लिए हमें नाइफ को लेना है और उसे इस तरह से अंदर डालें और फिर बाहर निकाल कर देखें। यदि आपका नाइफ एकदम से क्लीन है तो इसका मतलब आपके बाफले तैयार हैं और अब इसे हम बाहर निकाल देंगे और अब इसे ठंडा होने दें और फिर इसे इस तरह से चाकू की मदद से निकाल लें। तो देखा आपने हमारे मक्के के बाफले कितने अच्छे से स्टीम हो गए। बस इसे एक ही चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जब हम स्टीम लेने के बाद इसे पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही प्लेट में निकालें। यहाँ पर मैंने गैस पर ओवन को रख दिया है और उसे अच्छा तेज गर्म कर लिया है और अब हमने जो भाप में जो बाफले पकाए थे उसे हम इस पर रख कर सेंक लेंगे। सारे बाफले इस पर रखने के बाद इसे 5 से 10 मिनट के लिए कवर कर मीडियम फ्लेम पर सेंकने दें। बाफले सेकते समय उसे बीच में एक बार खोलकर जरूर देखें और उसे इस तरह से पलट दें जिससे हमारे बाफले दोनों तरफ से अच्छे से सेक जाए। बाफले सेकते समय इस बात का ध्यान रखें कि वो जले ना। आप देख रहे हैं बाफले हमारे दोनों तरफ से कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए और हमें इसी तरह से इसे सेकना है। अब मैंने गैस को बंद कर दिया और इसे प्लेट में निकाल लेना है। आप देख रहे हैं बाफले हमारे बहुत अच्छे से सीख गए और इसे सीखने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा क्योंकि हमने मक्के के बाफलों को पहले से ही भाप में पका लिया था और इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा। अब हम इसमें घी लगा लेते हैं। बाफले में घी लगाने के लिए मैंने घी को पहले से ही गर्म करके पिघला लिया है। इस तरह से इसे कपड़े में लें क्योंकि बाफले बहुत ज़्यादा गर्म है और इसमें घी में अच्छे से डुबाकर बाहर निकालें। घी आप अपनी पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप कम घी खाते हैं तो घी बहुत कम लगाएं और ज़्यादा खाते हैं तो घी को अच्छे से इसमें डिप कर लें। इस तरह से सारे बाफलों पर घी लगा लें। सारे बाफलों पर इसी तरह से हमें घी लगा लेना है। तब हमारे बाफले तैयार है। मैं आपको दिखाती हूँ ये अंदर से कितने ज़्यादा सॉफ्ट और एकदम खिले खिले बने। तो लीजिए तैयार है हमारे गरम गरम मक्के के बाफले। इसे आप तुअर की दाल, उड़द की दाल या फिर हरी चटनी के साथ खाएं। इसे खाने का मज़ा सर्दियों में ही आता है तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। फिर मिलूंगी आपसे अपनी अगली रेसिपी के साथ। जय श्री कृष्णा।